हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु फेंगशुई के ऊपर बात करते रहते हैं। यहां पर ये जो सीरीज़ अब बनने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि शनि देव वक्री हो रहे हैं एंड ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 17 जून से शुरू होगा और 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। ये कोई न्यू बात नहीं है, हर साल शनिदेव इसी समय में वक्री होते हैं। अब बहुत लोग शनिदेव के वक्री हो जाने से भ्रांतियां पाल लेते हैं, डर जाते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव जैसे बैठे हैं, जैसा उनका टाइम पीरियड चल रहा है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट्स उसी के बेसिस पर आते हैं। बट जो गोचर होता है उससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े इवेंट आप समझ सकते हैं गोचर की मदद से। तो शनिदेव का ये वक्री होने का गोचर आपको कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, जब भी हम कहते हैं शनिदेव वक्री हो गए तो उसका मतलब ये होता है शनिदेव की जो एक स्पीड होती है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जो उसकी स्पीड होती है चलने की, वो धीमी गति हो जाती है, स्लो हो जाती है। दिखने में ऐसा लगता है कि यू नो कि वो उल्टे चल रहे, बट वो उल्टे नहीं चल रहे होते, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो यू नो तीन स्टेजेस होती है कोई भी ग्रह की। एक होती है वक्री, जब वो रेट्रोग्रेड कहे जाते हैं कि धीमी गति होगी। एक होते हैं मार्गी, मार्गी का मतलब होता है कि वो अब अपनी स्पीड से चल रहे, जो एक प्लैनेट की नॉर्मल स्पीड होती है वो उस स्पीड से चल रहे हैं। और एक होता है अतिचारी, अतिचारी का मतलब होता है कि अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल शनिदेव यहाँ पर 17 जून से वक्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में कैसा रिजल्ट, कैसा प्रभाव लेकर आएगा, किन किन राशियों पे क्या एनर्जीज है, क्या यू नो आपको फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन मन में कभी भी आप ये मत सोचिए कि भाई आप तो मेरा ये टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया। हमेशा मेहनत आपकी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा माइंडसेट, भगवान पे भरोसा। कुछ भी ग्रहों में हो रहा हो, हमारा काम है आपको आकर बताना कि भैया इन चीज़ों में आप अवेयरनेस रखो, ये चीज़ें कीजिएगा, ये चीज़ें मत कीजिएगा। ये सब आप एज अ एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, मदद मिलती है आपको, सहारा मिलता है। ज्योतिष मदद करने के लिए बना है, ना कि आपको डराने के लिए है। तो अगर आपको जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव अपनी राशि के अकॉर्डिंग सुनने मिलेगा, मेरी एडवाइस यही है कि आप उसको पॉजिटिव आँखों से ही समझें और देखें, और जो कमी है उसके ऊपर काम करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि जो कमी है उसके ऊपर यू नो आप एकदम ही गिव अप कर दो और उसके ऊपर काम ना करें, ये बिल्कुल भी करना सही नहीं होगा। ये मेरी एडवाइस है। बाकी शनिदेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें। अब हम इसके बाद में एज पर एवरी ज़ोडियाक साइन क्या मैसेजेस है जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लियोस, सो कैसा रहने वाला है शनि देव जब ये टाइम फ्रेम में वक्री होंगे, तो आपके लिए कैसा रिजल्ट होगा। सबसे पहली चीज़, शनि देव वक्री हो रहे हैं आपके 7th हाउस में। अब जितने भी लोग सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनना चाहते हैं, कृपया करके वो वीडियो ना देखें, क्योंकि शनि देव वक्री हो रहे हैं, कुछ प्लस पॉइंट होंगे, कुछ माइनस पॉइंट होंगे। समझ कर अगर आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन्हों वीडियो को ना देखें। अगर आपको लगता है कि भाई हम नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते, सिर्फ बटर टॉक्स चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब लियो साइंस, अगर आपके 7th हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो क्रिएट होता है शनिदेव का वक्री होने का 7th भाव में, वो ये कि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें, प्रॉब्लम्स चल सकती है, जिनकी ऑलरेडी चल रही है। समझ लीजिए कि ये समय में रिकवरी होने के चांसेस कम है, जैसी परिस्थिति चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। आपके पार्टनर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी सेहत का भी ध्यान देना चाहिए और आपको भी अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 7th भाव में बैठकर, जो कि अपनी ही कुंभ राशि में बैठे बट वक्री हुए, तो थोड़े से स्लो हो गए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा प्रभाव समझ लीजिए रिकवरी हीलिंग का कम होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होने के आसार बने हुए इस समय में दिखते हैं। एडवाइस यही होगी शनिदेव के वक्री हो जाने पर कि अगर हो सके तो अपने मन में थोड़ी सी मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करें। अपनी मैरिड लाइफ में अगर झगड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो ये समय पर बिग डिसीजन लेना अवॉइड ही करें, टाले चीज़ों को, ताकि आगे जाकर समय रहते चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। बट इस समय पे ज़्यादा झगड़ा कर लेना, सीन क्रिएट कर लेना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट ये समझ लो कि जितनी आप बात बिगड़ती जाएगी उतना और प्रॉब्लम्स होती जाएंगी। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं कि अपने आप कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए।
वहीं शनि देव जो वक्री हो रहे हैं सेवेंथ हाउस में, एक और सिचुएशन बनाते हैं सिंगल लोगों के लिए। शनि देव की दृष्टि पड़ना सप्तम भाव पे या शनि देव का वहाँ पर रहकर वक्री हो जाना योग बना देता है शादी के लिए भी। तो शादी के लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है। जो लोग सिंगल है और विवाह करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, शादी के योग बन सकते हैं, बात आप लोग की आगे बढ़ सकती है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, जितने भी लोग व्यापार में हैं, बिजनेस में, सेवेंथ हाउस बिजनेस का भी माना जाता है, बिजनेस प्रॉफिट देखने मिलेगा, मेहनत आपकी रंग लाएगी। जितने भी आप समझ लो कि आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, ये समय में आपको अच्छा लाभकारी होगा। एंड आपका जो भी, अगर मैं कहूँगी कोई नया बिजनेस भी स्टार्टअप करना चाहते हो, मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हो, ज़रूर बढ़ो, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। बिजनेस व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। वहीं शनिदेव सप्तम भाव में बैठ कर वक्री हुए हैं तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं, मतलब हो गया सिक्स हाउस। ठीक है, सिक्स हाउस में उनका प्रभाव पड़ने की वजह से जितने भी लोगों के कोई कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे, इस समय में राहत मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको शांति मिल सकती है। बकायदा ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि आप सही हो, आपको पता है, आप 100% करेक्ट हो। कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर कोर्ट केस में ज़रूरत पड़ती है तो कर लीजिएगा, बिकॉज जनरली शनिदेव के वक्री हो जाने पर हम कहते हैं कि अगर म्यूचुअल एडजस्टमेंट या थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ से, थोड़ा बहुत दिनों, कहते हैं ना कि भाई पैसा खिला देने से लंबा केस टल रहा है तो टाल दो, बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो कोशिश कीजिएगा इसी समय में केस को टाल दें, ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा आपके लिए माना जाएगा। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में सपोर्ट आपको मिलती हुई देखी जाएगी इस समय में। आपकी जॉब में न्यूट्रल ग्रोथ बनी हुई दिखती, बहुत ख़ास जॉब में ग्रोथ नहीं कहूँगी, जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन हाँ जॉब में कुछ खास बड़ी ग्रोथ देखी नहीं जाएगी इस समय में, ये चीज़ का ध्यान देना। व्यापारियों के लिए अच्छा है, बट जो लोग जॉब में हैं उनको लगेगा कि पैसा है, जॉब है, ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड ग्रोथ बनी हुई है, कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं देखी जा रही है इस समय में। लव लाइफ में अगर मैं बात करूं तो आपके मन में ये शंका थोड़ी बहुत बनी रह सकती है कि आपको या आपके पार्टनर को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा कमिटमेंट को लेकर के शक या डाउट या इश्यूज आ सकते हैं लव लाइफ में। कोशिश ये कीजिएगा कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखिएगा इस समय में। ये जो जून से लेकर के नवंबर का टाइम है, ज़्यादातर जब लोग लड़ाई करते, कपल ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, कई बार अपनी कम्युनिकेशन दबा देते हैं, ये अवॉइड करना। जितनी आप अपनी लव लाइफ में ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखोगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप होगा, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। भले फिर वो ऑनेस्टी के बाद में अगर आप एक दूसरे से समय ले रहे हो, टाइम ले रहे हो, दैट्स फाइन, बट जब बात करो सच्चे दिल से, अच्छी बात करना रिलेशनशिप में, वो आपके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का काम करेगा। जो आपके कहते हैं ना कि एक सच्चा शब्द कहना और उसके बदले 10 छूटे शब्द भी कह दो फिर भी कोई असर नहीं होता है, तो वो पावर है। चाहे आप कम बात करो लेकिन सच्ची ऑनेस्टी, दिल से बात करना, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी आप लोगों के लिए। जो भी आपकी मन में फीलिंग्स हैं क्लियर कट रखना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेस्ट लियोस मेजर ये आपके लिए पॉइंट्स बनते हैं इस समय में। बेस्ट टाइम पीरियड जो दो पॉइंट्स बनते हैं इस समय में वो है बिजनेस के बड़े अच्छे योग हैं और शादी होने के अच्छे योग हैं। बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत न्यूट्रल टू माइनस पॉइंट्स चलेंगे जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत होगी। जितने भी लोग एजुकेशन में है या कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फेवरेबल टाइम रहेगा एग्ज़ाम देने के लिए भी, या मैं कहूँगी आगे बढ़ने के लिए, बट ऑफकोर्स शनिदेव वक्री हैं तो कोई उसका ऑप्शन नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके एफर्ट्स ये टाइम पर बढ़ जाएंगे, वहाँ पर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।